पापो कर रहा है, साइड में तो चल रहा हूँ। निकल निकल चलती बस से आदमी कूद गया। लगता है बेहोश हो गया है मेरे भाई। अरे 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 कोई है? अरे 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 सुनो भाई साहब, अरे सुनो, अरे सुनो 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 भैया, अरे अरे मेरे भाई सुनो तो, अरे 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 भैया ये यहाँ पड़ा है इसको कोई, अरे अरे कोई तो मेरी बात सुनो, अरे रुको रुको, अरे ये यहाँ पड़ा है कोई सुनो, अरे मेरी, अरे कोई तो आवाज सुनो मेरी, क्या करूँ इसको बुलाऊ? अरे मेरे भाई, मेरे भाई, अरे कैसा बस वाला था, अरे आदमी गिर गया उसे पता ही नहीं चला। पानी, पानी है मेरे पास, पानी अभी लाता हूं। ये लो मेरे भाई, मेरे भाई, हाँ लो पानी 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 पियो, पानी पानी, हाँ लो पियो पानी पियो। वो इसी तो इसमें गोली मारी गई है। गोली मारी है। इसे एक दो नहीं, पूरी तीन तीन गोलियां मारी है। देखो मतलब गोली मारने वाला बिल्कुल नहीं चाहता था कि आदमी बचे। बिल्कुल। एक बात और, ये गोलियों के घाव देखने से लगता है गोली बहुत नजदीक से मारी गई। तुमने फोन किया था? जी हाँ मैंने फोन किया था। क्या हुआ था यहाँ? जी मैं सुबह सब्जी लेके आ रहा था, पीछे से एक बस आई और इस आदमी को यहाँ फेंक कर चली गई और रुकी भी नहीं। ये आदमी बस में अकेला तो होगा नहीं, इसके साथ और भी तो लोग होंगे बस में, तो फिर बस को रोका कैसे नहीं उन्होंने? एक बात और साहब, जब इस आदमी को फेंका गया ना साहब तो जिंदा था। उस वक्त ये आदमी जिंदा था? हाँ जिंदा था। इसने तुमसे कुछ कहा, कुछ बोला इसने? नहीं साहब, बताया तो कुछ नहीं, पर बस की तरफ इशारा कर रहा था। बस कैसी थी? जी मिनी बस थी, सुनहरे रंग की। सर आने के सर, इस आदमी की जेब में से ये पर्स मिला है। कोई आईडी कार्ड तो नहीं है, बस ये ट्रेन का टिकट है, वो भी आज का। ट्रेन का टिकट? सर भिवंडी से अंधेरी आज का टिकट है, मतलब ये आदमी भिवंडी में कहीं रहता होगा। सचिन एक काम करो, आगे जाके कुछ मालूम पड़ता है कि बस के बारे में कहाँ गई है कुछ, तब तक मैं इस बस के मालिक के बारे में पता करता हूँ। सर हाँ जी, ऐसी चार कंपनीज हैं जिनके पास गोल्डन कलर के मिनी बसेज हैं। दो कंप्यूटर कंपनी है, एक आईटी फर्म है, एक रिसर्च लैब है, मतलब ऑफिस की बसेज हैं, स्टाफ को लाने ले जाने के लिए काम में आती है। यस सर। सर ऐसा लगता है कि बस के अंदर आपस में इनका कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ होगा। हाँ बात झगड़े से शुरू हुई होगी और फिर खून खराबे तक पहुंच गई, मगर एक बात खटक रही है अभिजीत। कैसा? अभिजीत बस में आम लोग होंगे, अब किसी आम आदमी के पास गन का होना ये बात हजम नहीं हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। सर हमने सभी कंपनीज में पूछताछ की, वो गोल्डन कलर की बस मेट्रोक्स रिसर्च लैब की है। और सर वो बस अपने 10 साइंटिस्ट को ऑफिस लेकर जा रही थी जिस टाइम वो हादसा हुआ था। साइंटिस्ट? यस सर। पता चला बस इस वक्त कहां पे है? नहीं सर अभी तक तो पता नहीं चला है। अभी तक बस का पता नहीं चला, तो फिर बस गई कहां?
सर। हेलो, हाँ सर, ओके सर, ठीक है सर। सर, गोल्डन कलर की बस मैट्रोक्स रिसर्च लैब की है। मैट्रोक्स रिसर्च लैब की? हाँ सर। मतलब ये बस किसी कंपनी की? हाँ सर। ओह, इस तरह से हम रोड पे बस को ढूंढते रहेंगे तो बस नहीं मिलने वाली। एक काम करते हैं, हाईवे के आसपास जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पे पूछताछ करते हैं। ठीक है सर। सर, उस दुकान में पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं वहाँ पे। हाँ सर, ये बस तो हमारी कंपनी मेट्रो रिसर्च लैब की है। सर, ये बस रोज हमारे साइंटिस्टों को लेकर 10:30 बजे यहाँ पहुँच जाती थी। सर, आज 12 बज गए पर ये बस अभी तक नहीं आई। कितने लोग हैं बस के अंदर? सर, करीब 10-12 लोग हुए। आपने उनको फ़ोन करके पता नहीं किया कि इस वक्त तो बस कहाँ पर है? सर, मैंने फ़ोन किया था लेकिन फ़ोन का जवाब कोई नहीं दे रहा। रेडी, फोटो दिखा सर। इन्हें जानते हैं आप? ये तो कुशल है, हमारी लैब का सीनियर साइंटिस्ट। एक्सक्यूज मी सर। एमएमएस? ओह माय गॉड, मिस्टर आर्यन, अब तक आपको कुशल के बारे में तो पता चल ही गया होगा। ये एमएमएस देख के बाकी के साइंटिस्टों की हालत का भी अंदाजा आपको हो ही जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपकी लैब ने 10 साल रिसर्च करके जो नया फार्मूला तैयार किया है, अगर आपको साइंटिस्टों की जान प्यारी है तो वो फार्मूला हम तक पहुंचा दो। कहां पहुंचाना है और कब पहुंचाना है उसके लिए हम थोड़ी देर में फोन करेंगे। ये कहानी चल रही है, ये किस फार्मूला की बात कर रहे हैं लोग? सर, हमारे साइंटिस्टों ने एक फार्मूला इन्वेंट किया था जो किसी भी डेडली बायोलॉजिकल वायरस को तुरंत खत्म कर देता है। और इसके बारे में किस किस को मालूम है? सर, दुनिया की तमाम कंपनियां इसके बारे में जानती थी और सभी इसे अपने नाम से पेटेंट करवाना चाहते थे। ओह, ये भी हो सकता है कि ये इन कंपनी में से ही कोई है जिसने ये किडनैपिंग की है। जिस नंबर से एमएमएस आया है उससे पता चल सकता है कि इस किडनैपिंग के पीछे है कौन। इधर। हाँ हाँ, उधर। ठीक है सर, जिन जिन लोगों ने इस मिनी बस को जाते हुए देखा है, इसी हाईवे देखा है। चलो, एक बात तो अच्छी है कि हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे। पर सर, उस आदमी को फेंके हुए लगभग 4 घंटे हो चुके हैं, अब तक तो बस काफी दूर निकल चुकी होगी। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उन किडनैपर्स ने 10 साइंटिस्टों के साथ बस को कहीं छुपा दिया हो। एक काम करते हैं, आगे पूछते हैं। आ जाओ सर। कुशल अगर मर गया है तो फिर वो अपने फोन से एमएमएस कैसे कर सकता है? सर, ये किडनैपर दिमाग चला रहा है अपना असली चेहरा छुपाने के लिए कुशल के मोबाइल से फोन कर रहा है। सर, मैं कुशल के मोबाइल फोन की लोकेशन पता करूं क्या? हाँ बिल्कुल, देखो जरा। किसका फोन है? पता नहीं सर। किडनैपर्स का ही होगा, स्पीकर पे डाल के बात करो जल्दी। ओके सर। हेलो, मिस्टर आर्यन, जगह है मलानगर, 4:30 बजे पहुंचना है वहां पे फॉर्मूले के साथ। और हाँ, अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और कान खोल के सुन लो, कोई होशियारी नहीं। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, पर आप मेरे स्टाफ वालों को कुछ मत करना प्लीज। 4:30 बजे मलानगर। ओके, कोई होशियारी नहीं। हेलो। सर, मैंने मोबाइल कंपनी वालों को बोल दिया है, जैसे ही उन्हें कुशल के फोन की लोकेशन पता चलेगी वो हमें बता देंगे। सर, अब क्या करें? सर, करना क्या, उन्हें फॉर्मूला चाहिए और हमें साइंटिस्ट, दे दो फॉर्मूला। क्या? हाँ, फॉर्मूला दे दो। हे, चुप, ये रोना धोना बंद करो तुम लोग, ये रोना धोना चुप। और सुनो, अपने अपने मोबाइल बाहर निकालो, सबके हाथ में मोबाइल दिखना मांगता है क्या? किसी ने अगर मोबाइल छुपाने की कोशिश की तो पता है ना तुम लोग को क्या होगा? हाँ, कैसे उसको सड़क पर फेंका था। ए लारेला, ए चल मोबाइल निकाल। आखिर आप लोगों ने हमारा किडनैप क्यों किया है? ए,
पहले अपना मोबाइल निकाल, उसके बाद थोपड़ा बंद करके रख, समझा? कहाँ लेके जा रहे हो, कम से कम ये तो बताओ। अबे ये बैरे, क्या तेरे को कान नहीं है? तेरे को मोबाइल दे और चुप बैठ। ये मैडम मोबाइल, मोबाइल प्लीज। मैं एक फोन कर लूं, मेरा बच्चा घर पर अकेला है। अगर तुम फोन करेंगे ना, तुम्हारा बच्चा हमेशा के लिए घर पे अकेला रहेगा, समझे? मोबाइल दो। आलू मटर, आलू गोभी, आलू पालक, उबला आलू, गीला आलू, दही आलू, बोले साहब क्या दूं? एक गोल्डन कलर की मिनी बस। गोल्डन कलर की मिनी बस? हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा एक बार बताओ, लगभग 4 घंटे पहले इस हाईवे पे एक गोल्डन कलर की मिनी बस को जाते हुए देखा है क्या? जी साहब बिल्कुल देखा है, बहुत जल्दी में थी वो बस। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि बस बहुत जल्दी में थी? साहब वहाँ से इतना तेज टर्न मारा कि उसकी आवाज यहाँ तक आई और सारे ग्रास साथ चौंक गए। तो इसका मतलब बस ने यहाँ से हाईवे छोड़ दिया है। ये सड़क किस तरफ जाती है? यहाँ से अहमदाबाद के लिए शॉर्टकट है सर। निकले काम करो, दया सर को फोन लगाओ। हेलो, ऐसे कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे? तो क्या कर सकते हैं, देख नहीं रहे उनके पास गन है? मगर हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, जो हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठ सकते हैं हम यहाँ। आशीष पागलपन मत करो, प्लीज बैठ जाओ। देखा नहीं कुशल को मार के कैसे फेंक दिया? हाँ वैसे तुम भी मारे जाओगे, तुमको भी मार डालेंगे बोलता हूँ। मारना है तो मार डाले, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। करे क्या चल रहा है इधर? ए बैठना दो, मुझे मेरा मोबाइल चाहिए। हाँ चलो दे दो हमारा मोबाइल, दे दो हमारा मोबाइल चाहिए, चाहिए मोबाइल चाहिए। किसी को कोई मोबाइल नहीं मिलेगा, और कान खोलकर सुन लो तुम लोग, अगर किसी ने मोबाइल मांगा ना तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरी गन बोलेगी, समझ गए तुम लोग? ए चुप बैठना, बैठ। ठीक है मैं आपको फिर से फोन करता हूँ, लेकिन ध्यान रहे अर्जेंट है, गुनहगार हाथ से निकल जाएगा। ओके ओके ओके, गुड 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 गुड, थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ दूंगा, पार्टी जरूर दूंगा। ये तो बता पहले ये नंबर है कहाँ का, जल्दी बताना। हाँ सर, नंबर मिल गया। किसने फोन किया था आर्यन को? अरे अभिजीत, ये तो कोई लैंडलाइन का नंबर है। लैंडलाइन का? किडनैपर ने पहले एमएमएस भेजा था वो कुशल के मोबाइल से, और फोन किया है लैंडलाइन से। हेलो, अच्छा इन्फॉर्मेशन पक्की है? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ये नंबर एक पीसीओ का है, आरपी रोड पे एक ढाबा है, वहां का पीसीओ। ढाबे का पीसीओ? ढाबे का पीसीओ? विजेत, आर्यन को पहले एमएमएस आता है कुशल के मोबाइल से, और फिर कॉल आता है ढाबे के किसी पीसीओ से। तो कुछ समझ में आया? यस सर, एक किडनैपर बस के अंदर है और एक कोई दूसरा बाहर है जो बाहर से उसकी मदद कर रहा है। एग्जैक्टली, और ये जो बाहर बैठा है वही मास्टरमाइंड है, वही असली किडनैपर है। यहां भी एक पीसीओ सर। देखो जरा, देखो चेक करो, वही नंबर है क्या? हेलो, हाँ फ्रेडी, ये जो सामने ढाबा है वहाँ पे 3 चाय बोल दो। क्या चाय? अरे चाय भाई छोड़ो, देखो कौन सा नंबर आया है मोबाइल पे। अरे सर, इसी फोन से तो आर्यन को फोन किया गया था,
मतलब ये नंबर इस पीसीओ का है? नहीं का है? अभिजीत, अभी वाले लड़के से पूछते हैं। किडनैपर जानबूझ के ऐसे सुनसान ढाबे पे आया होगा, ज्यादा लोग हुए नहीं तो कोई उसे पहचानेगा नहीं। पेड़ी, वैसे भी उसे कौन पहचानता है, लोगों की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या लेंगे साहब, क्या बना? अरे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? भीमा साहब। भीमा, ये ढाबा तुम्हारा है? हाँ जी साहब। अच्छा, गुड, आओ। भीमा, जब हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आप पूछे साहब। पहले बताओ, क्या दिन भर तुम ढाबे पर रहते हो? हाँ साहब, सुबह 10 बजे आ जाता हूँ, उसके बाद दिन भर यहीं रहता हूँ। अच्छा अच्छा, दिन भर यहीं रहते हो? हाँ जी साहब। फिर तो ये जो सामने पीसीओ है, यहाँ पे जो लोग फोन करने आते होंगे उनको भी देखते हो? हाँ साहब, पर साहब वो पीसीओ कुछ खास नहीं चलता। लेकिन आप सब ये सब पूछ क्यों रहे हैं? एक केस चल रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग। साहब आप लोग? हाँ भीमा, हम लोग CID से। लेकिन देखो, तुम घबराओ मत, बस हमारे सवालों का कुछ जवाब देना है। जी सर। ये बताओ, ये जो पीसीओ है, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उन्हें तो तुमने देखा होगा? हाँ जी साहब। तो आज तुमने कोई ऐसा आदमी देखा जो तुम्हें गड़बड़ लगे? पीसीओ पर फोन करने के लिए कोई आया था? साहब ऐसा तो कुछ खास नहीं देखा। हाँ साहब, एक आदमी मोबाइल पे बात करते करते अचानक पीसीओ से बात करने लगा। साहब मोबाइल होते हुए पीसीओ से बात करना मतलब? एक मिनट, कितने बजे की बात है? 12:30 बजे की? हाँ जी साहब। अभिजीत, उसी वक्त तो किडनैपर्स का फोन आया था आर्यन को। भीमा, तुमने कुछ सुना, वो क्या बात कर रहा था? नहीं साहब, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। चलो कोई बात नहीं, ले मगर उसे देखा तो होगा ना अच्छी तरह से, याद है उसका चेहरा? हाँ साहब। गुड, तो हमारे साथ ब्यूरो चलो, उसकी शक्ल बनाने में हमारी मदद करो। हाँ अभिजीत, वो सीक्रेट फॉर्मूला उस खतरनाक वायरस को यूं चुटके में खत्म कर देता है, तो वजह साफ है। यस सर, दुनिया भर के लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार होंगे सर। मगर ये आर्यन कह रहा था, इस फॉर्मूला के बारे में बाहर वाले को पता ही नहीं है। इसीलिए तो ये कंपनी के अंदर के ही किसी आदमी का काम है, अंदर के ही आदमी का, जिसकी नीयत बिगड़ गई है। हाँ साहब, यही है, बिल्कुल यही आदमी था वो। सर, सर इसको कहीं देखा है? हाँ फ्रेडी, मुझे भी लग रहा है कि इसे कहीं देखा है, मगर कहाँ कहाँ देखा है इसे? यस यस, मैट्रॉक्स रिसर्च लेबोरेटरी, विनय नाम है इस आदमी का। हेलो मैट्रॉक्स लैब, हाँ जरा विनय से बात कराइए। नहीं है? कितने कितने बजे निकला? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जिसका डर था वही हुआ। मतलब विनय को अंदाजा था कि हम उस तक पहुंचने वाले हैं जल्दी। हाँ सर, इसीलिए पहले ही उसने अपना बोरिया बिस्तर लपेट लिया। बिल्कुल, अब ये विनय मैट्रॉक्स रिसर्च लेबोरेटरी का साइंटिस्ट है, तो उससे बेहतर और कौन जानता होगा इस सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में। और सर, ये विनय अकेला साइंटिस्ट है जो इस समय बस में नहीं है। मैट्रॉक्स रिसर्च लैब के सारे साइंटिस्ट उस बस से ही जाते हैं, मगर आज विनय नहीं गया। मतलब साफ है, घर का भेदी लंका डाए। मगर सर विनय तो भाग गया। हाँ मगर फ्रेडी, ये विनय भाग भाग कर जाएगा कहाँ? उसने तो अपने आप को फंसाने का फंदा खुद ही तैयार किया है। फंदा? मैं कुछ समझा नहीं सर। फ्रेडी, 4:30 बजे वो किडनैपर्स माला नगर में फॉर्मूला लेने आने वाले हैं। अगर विनय इस खेल का मास्टरमाइंड है तो उससे हमारा आमना सामना जरूर होगा। बस 4:30 बजे का इंतजार है, 4:30 बजे का। अगर ये विनय डाल डाल चल रहा है तो हम पत्ता पत्ता चलेंगे, पत्ता पत्ता। हे चल उठ, अब तेरी बारी है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज। आखिर बेवजह तुम हम सब की जान क्यों ले?
बेवजह नहीं, वजह है। वजह है तेरा वो बॉस आर्यन। आर्यन सर? आर्यन सर, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? जो क्या किया है, 4:15 हो गए हैं, अभी तक उसका फोन नहीं आया। लगता है हम लोग को सीक्रेट फार्मूला नहीं देने वाला है। मतलब तुम हम सबको? हाँ, हम लोगों ने तुम सबको किडनैप कर लिया है। तुम्हारे बॉस के भेजे में ये बात नहीं आ रही है। लगता है एक साइंटिस्ट की लाश और भेजनी पड़ेगी। ए, मार उसके भेजे में गोली। आर्यन सर, वो फॉर्मूला आप लोगों को जरूर दे देंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लो प्लीज। अच्छा अच्छा, तो सुन, अगर अगले 15 मिनट में ना हमें फार्मूला नहीं मिला ना, तो मैं नहीं, ये मेरी गन बोलेगी और तुम सब लोग मारे जाओगे, समझे ना? कहता हूँ सच सच बताओ, किसने फोन नहीं दिया था? कौन अपना फोन छुपा रहा है? हम लोग में से किसी के पास भी फोन नहीं है, यकीन मानो नहीं है। तो फिर घंटी कहाँ से बजी? नहीं, नहीं, मालूम नहीं। देख, अच्छी तरह तुम लोग समझ लो, आखिरी बार कहता हूँ, निकालो फोन। नहीं नहीं, अच्छा, जो तुम लोग चाहते हो ना, अब वही होगा, वही होगा। नहीं, ये क्या कर रहे हो? ये क्या करूं? प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। जिसके पास भी फोन है, प्लीज फोन दे दो। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जिसके पास भी मोबाइल है दे दो, वरना इसके फेंचे के बाहर हो जाएगी गोली। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अरे एक, नहीं नहीं, अरे दो, अरे भाई साहब, तीन। फोन मेरे पास है। अच्छा, किसको फोन किया तूने रे? किसको फोन किया तूने? किसी को नहीं। तेरी तो मार डाल इसको। सर, वो पीछे ढाबे वाला बता रहा था कि उसने गोल्डन कलर की बस को इसी सड़क पे जाते हुए देखा। उसने बस का नंबर नोट किया था? विवेक, वो बस का नंबर क्यों नोट करता? इस सड़क पे सुबह से शाम तक हजारों बसें जाती हैं। सचिन, उस बस में 10 साइंटिस्ट हैं, उन सब की जान खतरे में है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। सर, ये रास्ता तो दो तरफ बढ़ गया है सर। हाँ, किस तरफ जाए? सर, यहाँ पे तो कोई दुकान या ढाबा देख भी नहीं रहा है कि पूछताछ कर सके। और सर, अगर राइट लेते हैं तो शांति नगर आएगा, और ये लेफ्ट परतपुर गांव की तरफ जाता है। 10 लोग हैं उस बस में, 10 लोगों समेत उस बस को छुपाना कोई आसान बात नहीं है। जंगल से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है? हाँ सर, लेकिन जंगल तो दोनों ही सड़कों पर है। इस तरफ चल के देखते हैं। आर्यन, हेलो सर, मैं रोड नंबर 8 पे पहुंच गया। आर्यन, देखो, तुम जहां जहां जाओगे हमें बताते रहना, हाँ? हम तुम्हें दूर से फॉलो कर रहे हैं, ओके? सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। घबराओ मत आर्यन, घबराओ मत,
भरोसा रखो हमारे ऊपर। सर ये फॉर्मूला हमारे 10 सालों की मेहनत है। हाँ आर्यन, तुम्हारी 10 साल के मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हम है ना तुम्हारे साथ, भरोसा रखो हमारे ऊपर। जी सर। सर ये किडनैपर्स की फिर से कॉल आई। तो ले लो फोन, ले लो। देखो उसे बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि सीआईडी तुम्हारे साथ है, समझे? जी सर। बात करो, घबराओ मत। जी। हेलो मिस्टर आर्यन। जी 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 बोल रहा हूँ। फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ मेरे पास फॉर्मूला है और मैं 10 मिनट के अंदर माला नगर पहुँच जाऊँगा। हाँ टाइम से पहुँच जाए तो अच्छा है, वरना तेरे सारे दोस्त ऊपर पहुँच जाएंगे, समझा? जी जी मैं समझ गया। प्लीज आप किसी को कुछ मत कीजिएगा। मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा और मैं अपने साथ फॉर्मूला ला रहा हूँ ना। फॉर्मूला ला रहा है तो ऐसा थोड़ी कर रहा है। सुन जरा ध्यान से सुन, माला नगर में एक ब्रिज है 99 नंबर का, गाड़ी रोक उतर और वो फॉर्मूला ब्रिज के नीचे रख दे, समझा? और एक सेकंड के लिए भी मत रुकना। जी जी हाँ। और सुन पीछे मुड़कर मत देखना कि कौन फॉर्मूला लेने आ रहा है कौन नहीं, समझा? जी मैं बिल्कुल समझ गया, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। आप प्लीज किसी को कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ ना। मुझे एसीबी साहब को बताना चाहिए। ओह नो, इस फोन की बैटरी को भी अभी डेड होना था, अब मैं क्या करूं? सीआईडी वालों का इंतजार करूंगा तो वो सभी लोग मारे जाएंगे, वक्त भी बहुत कम है, मैं क्या करूं? मुझे टाइम पे पहुंचना चाहिए। काफी देर हो गई सर, उसका फोन नहीं आया। हाँ फोन लगाकर देखता। फोन डेड आ रहा है। जानबूझ के बंद कर दिया होगा सर, हमें धोखा दे रहा है। नहीं प्रेटी, यहाँ तक लेकर आया तो धोखा तो नहीं दे रहा है, कुछ और ही बात है। एग्जैक्टली हो सकता है उसके फोन की बैटरी भी डाउन हो। सर अब क्या करें? सर माला नगर में बुलाया किडनैपर्स ने, तो घर में तो बुलाया नहीं होगा किसी ने। होगी तो कोई सुनसान जगह ही होगी, कोई लैंडमार्क होना चाहिए उधर। रास्ता साफ है, चल। साइंटिस्टों को छोड़े बगैर
मार न दे कहीं को। किसी भी हालत में उनको पकड़ना बहुत जरूरी है अभिजीत। पता लगना चाहिए साइंटिस्टों को कहां छुपा के रखा। सीधा जा रहा है सर, मैं दूसरा रास्ता लेता हूं। हाँ अभिजीत ले लो। नहीं चला, जितनी देर चला सकते चला। दिमाग तनतना रहता है इन लंगूरों का। निकल गई हवा, आंखें मलते रह गए। और एसी भी बोल रहा होगा, अभिजीत अभिजीत ये क्या हो गया अभिजीत अभिजीत। और अभिजीत कह रहा होगा, ए धूल है सर धूल, आंखों में धूल। ये लोग वापिस कहाँ से आए? अरे और तेज चला। जा रहा है? कहाँ जा रहा है? धूल छोड़ के भाग रहा था आंखों में है? ऐसा हाथ पड़ेगा ना पैंट गीली हो जाएगी तेरी। चल दिखा अपना मुखड़ा, दिखा जरा, देखे सस्ते चोरों के चेहरे कैसे होते हैं। विनय जी, सर ये तो अपने विनय जी हैं। अपनी कंपनी को धोखा दे रहा है। कहाँ लेकर जा रहे थे ये फॉर्मूला? सर मैं नहीं बता सकता हूँ सर। क्यों नहीं बता सकता? मुंह तो चल रहा है तेरा। अभिजीत इसे जंगल में लेकर जाओ और उड़ा दो गोली से। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। बता सर, हम लोग ऊपर घाट पर जा रहे थे सर, हेलीपैड पे। हेलीपैड पे क्यों? सर मेरा दूसरा साथी वहां पर इंतजार कर रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा, तो तुम दोनों प्यादे हो, असली खिलाड़ी कोई और है। कहाँ है वो बस? कोई फायदा नहीं सर, बस में बॉम्ब में और 15 मिनट में फटने वाला है। सचिन गाड़ी रोको। क्या हुआ सर? उस गाड़ी में बम है, हम लोग गलत रास्ते पे हैं। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, जल्दी हमें दूसरी तरफ जाना है। हेलीकॉप्टर तो आ रहा है लेकिन अभी तक ये लोग फॉर्मूले लेकर क्यों नहीं आए? बॉस लगता है वो लोग आ गए। Thank you.
और तेल लगा दी तुम लोगों ने। पता है ना जल्द से जल्द शहर को छोड़ना है। हाँ अच्छा वो फॉर्मूला कहाँ है? कहाँ है वो फॉर्मूला? कहाँ है? तुम्हारे हाथ तो खाली है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? अरे बोलो ना वो फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला यहाँ है। अरे सेटिंग्स पर रवि जी, हाँ अकेले आए हो? हाँ क्या करें, तुम्हारे जैसे गद्दार बढ़ गए हैं, सब बिजी हैं, सोचा अकेले ही दे आता हूँ। हेलो ले लो, जिस फार्मूले के लिए इतनी मेहनत की है तुम्हारे सामने पड़ा है, ले लो। अरे ले लो, कुछ नहीं करूंगा मैं, ले लो। रुक क्यों गए? प्रॉमिस, गोली पैर पे नहीं मारूंगा, सीधे सिर पे मारूंगा, एक झटके में खेल खत्म। बोला था ना भागना नहीं, क्यों फार्मूला नहीं चाहिए है? हमारा मरना लगभग तय हो चुका है और हमको बचाने वाला भी अभी कोई नहीं है। अब मैं अपने बच्चे से भी कभी नहीं मिल पाऊंगी। कुणाल तुम कहां जा रहे हो? मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी इस दरवाजे से कूदकर बाहर जा रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा बस के चारों तरफ फायरें लगी हुई है और अगर हमने खिड़की दरवाजे को टच किया तो बॉम्ब कभी भी फट सकता है।
बचाओ। अरे कोई है? अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, हमें बचाओ, कोई है? प्लीज हमें बचा लो, बचाओ, हमें बचा लो, बचाओ, बचाओ, चुप चुप चुप, कोई बचाओ। सर ये तार तो चारों तरफ दरवाजे खिड़की सबसे जुड़ा हुआ, हाथ लगाते ही बम फट जाएगा। अब क्या करें सर, अंदर कैसे घुसेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। अरे हम फंस गए हैं, कोई बचाओ। सचिन एक काम करता हूँ, मैं नीचे से बस के अंदर घुसता हूँ, तुम दोनों यहीं खड़े रहना, आसपास नजर रखना। सर संभाल के। सर Oh my God. सचिन बॉम्ब यहां पर है अंदर। बस एक ही मिनट बचा है। सब लोग जाएंगे। पहले लेडीज बाहर आएंगे, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, आराम से संभाल के। सचिन इन लोगों को बाहर लेके जाओ, जल्दी बस से दूर ले जाओ। संभाल के आइए, आइए आइए प्लीज, आइए संभाल के, आइए संभाल के, संभाल के, संभाल के, आइए प्लीज संभाल के, आइए प्लीज, आराम से, आराम से, जल्दी प्लीज प्लीज, फास्ट फास्ट, जल्दी सर, सिर्फ 20 सेकेंड है सर, फास्ट फास्ट, जल्दी सर, सर 10 सेकेंड बाकी है सर, जल्दी प्लीज संभाल आइए, जल्दी तुम लोग इस बस से दूर चले जाओ। सचिन सर हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे सर, इट्स एन ऑर्डर सचिन, तुमको जाना होगा। ओ भाई साहब हेलो, चलो बाहर जाके पढ़ने, जो पढ़ना है चलो सर, चलो चलो, अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी है सर, सर सिर्फ 5 सेकंड सर, आइए सर आप भी चलिए सर, सर चलिए आप भी चलिए सर, आप भी चलिए सर, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे सर, इट्स एन ऑर्डर सचिन, तुमको जाना होगा यहाँ से सर। नहीं हो सकता, सब बच गए ना? हाँ सर। माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर, माफ। पचास करोड़ मिलने वाले थे सर। चुप! पैसों के लालच में अपने देश के साथ गद्दारी की, तुमने ईमान बेचा। 50 करोड़ पैसों के लालच में अंधा हो गया था मैं। फॉर्मूला तो तुम लोगों को मिल चुका था, तो फिर बस में बॉम्ब क्यों लगाया? क्यों मारना चाहते थे लोगों को? सर
बाकी जो भी साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे ये फॉर्मूला बनाने में, वो ये फॉर्मूला वापस बना सकते थे, इसीलिए उनको मारना जरूरी था ताकि ये फॉर्मूला फिर से न बन पाए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना? फिर मार सके तुम उनको? नहीं सर। तुम भी तो इस घिनौने काम में शामिल थे, तुम्हें तो इस विनय के साथ होना चाहिए था, फिर बस में कैसे? ताकि किसी का शक मुझ पर ना जाए सर, इसलिए मैं बाकी लोगों के साथ था सर। लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे, तुम्हें पहले से ही मालूम था कि कौन सा साइंटिस्ट कहां रहता है, कितने बजे ऑफिस जाता है। अपने साथियों के भरोसे का अच्छा फायदा उठाया तुमने। बस हाईजैक करवाई, गुंडे किराए पर लिए, उनसे आर्यन को एमएमएस करवाया, अपने दो दो साथियों को जान से मार डाला। और इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी बड़ी प्लानिंग, मगर एक बात भूल गए कि हर गुनहगार एक ना एक गलती करता ही है, एक ना एक गलती जो तुमने भी की। उस पीसीओ से फोन किया, एक सिरा ढीला छोड़ दिया तुम लोगों ने, और उसी से तुम्हारी सारी प्लानिंग उधड़ गई। शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते थे, अब शॉर्टकट तुम्हें फांसी के फंदे तक लेकर आया। अब जेल में सड़ते बैठना, रोज नए नए फॉर्मूले बनाना, फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।